कृष्णा, आज की मॉर्निंग भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्लोक नंबर 40 पे चर्चा करेंगे। कल 39 पे चर्चा किया था मेरे पीछे द्वारा द्वारा करते हैं। नेहा विक्रम न सुस्ते विद्यते स्वल्पपि नेहा विक्रम न सुस्ते रक्तवायु न विद्यते स्वल्पपि नेहा विक्रम न सुस्ते प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पपि अनुवाद और तात्पर्य भाई देशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद, इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ है तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। इंग्लिश में थोड़ा बोल लेते हैं। तक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वो अत्पत्तेत ततो यदि यत्र वा भद्रम अभुदमुष्य किं कोवार्थ आप्तो अवजतां स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि? और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुर्विमुखेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपाकदामेनं ददामि स्वकदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीमतास्तिकं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजात्मं सहगानन्दं श्रीवं सार्वेदं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादमानं सह गणकर्ता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महाकल्याणाय कृष्णप्रेमदायिके कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने श्री नमः हे कृष्णा सिन्धो नन्दो जगत्पते गोपेशा कृतार्थन्त श्रीराधान्त नमस्ते चत्रकाङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णे देवी प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री रघुरावि हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण बनने से पहले तो कल लास्ट क्लास में हमने 39 श्लोक का फिर चर्चा किया था और ये बताया था कि कैसे 38 जो श्लोक नंबर है उससे एक अगला थीम भगवान स्टार्ट करते हैं, जो अर्जुन को उन्होंने जो ज्ञान दिया पहले आत्मा और शरीर का, उसके बाद में फिर उनको बताया कि कैसे हे अर्जुन अगर जो सामने तुम्हारे जो परिजन खड़े हुए हैं अगर तुम उनको केवल और केवल शरीर मान रहे हो तो इसका तुम किसमें जी रहे हो, अज्ञानता में जी रहे हो, नॉलेज नहीं है आपके पास में, इसलिए तुम उनके साथ में युद्ध नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो सामने खड़े हैं वो किस वाले पाथ पे जा रहे हैं, अधर्म वाले पाथ पे जा रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अधर्म पे चल रहा है और भगवान अगर बोल रहे हो तो भाई थोड़ा धर्म धर्म की स्थापना करनी है, तो उसके लिए अगर उनको मारना पड़े तो उसमें गलत बात नहीं है, लेकिन अर्जुन क्या है बॉडीली लेवल पे जा रहे थे। तो इस संसार में जैसे पुलिस डिपार्टमेंट होता है, अभी कोई चोर है अगर उसने चोरी किया है ना, या किसी की हत्या कर दी है, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट कर दिया उसने, ठीक है, तो पुलिस उसको छोड़ना चाहिए है ना, तो क्या करती है पुलिस उसको जेल में लेके जाती है ना। तो अभी तो कलयुग चल रहा है तो कई कोई तो छोड़ भी देते हैं है ना, ऐसा भी होता है कि जो विक्टिम होता है उसको पकड़ लेते हैं कभी कभी, समझ में नहीं आता ना किसने किया है क्राइम है ना, तो वो ज्यादा पैसा दे दे तो उसको पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, तो आजकल पैसों का राज्य ज्यादा चल रहा है। तो पहले जो है मतलब अगर कोई अधर्म फैला रहा है तो उसको तुरंत दंड देना चाहिए। तो उससे दो चीजें होती हैं, एक तो, और जो दूसरा व्यक्ति होगा वो साहस नहीं करेगा अधर्म करने का या पाप करने का, और दूसरा उस जिसने अधर्म किया जिसने पाप किया है उसको अगर उसका पनिशमेंट मिल जाए तो आगे जाके जो भी उसके जीवन में परेशानियां आएंगी या उसका जो फल उसको मिलने वाला है पाप का उससे वो बच सकेगा, अगर उसको प्रॉपर पनिशमेंट उस समय अगर मिल जाए, प्रवृत्ति नहीं जाएगी एक्चुअली पाप करने की, प्रवृत्ति नहीं जाएगी उसको, कितना भी बड़ा पनिशमेंट आप दे दीजिए जो अंदर पाप करने की प्रवृत्ति है वो नहीं जाने वाली उससे, क्योंकि जैसा हम परसों चर्चा किए थे कि
जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे भागवतम, तो बता रहे थे अजामिल के बारे में कि अजामिल जो है कितना पाप किया। तो उसके बाद में परीक्षित महाराज भाई पूछने लगे कि ये जो अजामिल है वो कहाँ जाएगा, ये तो नरक में जाएगा इतना पाप किया है, तो कहना दूसरा स्थान को यही नहीं। और सुखदेव गोस्वामी जो है कैंटो 5 में जो पांचवा जो स्कंद है उसमें पूरा हेलिस प्लानिट के बारे में पूरा पूरा डिस्क्राइब किया उन्होंने कि हेल में नरक में क्या होता है ना, फ्राई किया जाता है तेल में इंसान को, यहाँ तो चिप्स वगैरह फ्राई करते हैं है ना, पकौड़े वगैरह फ्राई करते हैं, पर लेकिन वहां पे इंसान को फ्राई कर दिया जाता है, तो ऐसा नरक का डिस्क्रिप्शन है। तो उसको सुन के तो परीक्षित महाराज डरे गए एकदम, अरे बाप रे बाप, जीवात्माओं का क्या होगा जो पाप कर रही है। तो जब उन्होंने ऐसा सुना तो कंपैशन आ गया है, तो कह रहे थे कि जो जीवात्मा पाप कर रही है तो उनको कैसे बचाया जा सकता है कि वो नरक में ना जाए, कोई ऐसा कोई मेथड बताइए है ना जिससे वो बच सके। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं कि अटोनमेंट कर ले है ना, अगर जा बहुत बड़ा पाप किया है तो एक बड़ा प्रायश्चित कर ले है ना, अगर छोटा पाप किया है तो छोटा अटोनमेंट हो जाएगा, ठीक है बस काम हो जाएगा उसी से। तो परिचित महाराज को ये सूट नहीं किया ये आंसर। होता है ना कई कभी स्टूडेंट जो है टीचर ने अगर हल्के में बता दिया तो कहता है हम सेटिस्फाई नहीं हुए, थोड़ा सा और डीप में बताइए है ना, आपने तो ऊपर से बता दिया। तो ऐसे करके जो स्टूडेंट है वो पूछता है टीचर से थोड़ा और थोड़ा नॉलेज बताइए सर जी है ना, इसने से काम नहीं चलेगा। तो परिचित महाराज कहते हैं कि ये जो आपने सॉल्यूशन बताया है ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, पर लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है ये, क्योंकि व्यक्ति को अगर आप पनिशमेंट दे दोगे तो उसके बाद में उसके अंदर जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नहीं आती। तो कोई व्यक्ति अगर पाप कर रहा है तो अगर आप केवल उसको पनिशमेंट दे दीजिए थोड़ा सुधरेगा, लेकिन प्रवृत्ति अंदर रहेगी, जैसे ही मौका मिलेगा दोबारा कमिट कर देगा पाप को, ऐसा है। तो ऐसे ही तो जैसा हम बताए थे कि हाथी का एग्जाम्पल है ना, हाथी जाता है बात लेता है फिर दोबारा आके शरीर पे मिट्टी डाल लेता है, तो ऐसे करके परिचित महाराज बोले ये तो ऐसा हो गया भाई। तो फिर सुखदेव गोस्वामी फिर बताते हैं ज्ञान के मार्ग पे जाते हैं, फिर बताते हैं कि अगर पापों की जो प्रवृत्ति है अगर उसको मिटाना है तो फिर हमको क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भक्ति प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे जो जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो अधर्म मार्ग पे चल रहे हैं, तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम उनको मार के पाप कर दोगे तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि तो वो किस लेवल पे हैं, बॉडी लेवल पे हैं, उन्होंने पाप किया धर्म किए इतने सारे, तो उनको मार दोगे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो। जैसे कि अभी बहुत संसार में पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है अगर वो किसी को पनिश करता है या किसी को ये बताया जाता है कि भाई तुम्हारा अब जो है तुमको मृत्यु दंड दिया जाता है, तो मृत्यु दंड देने से ऐसा नहीं कि वो हत्या का पाप उसको लगेगा है ना, उसने कुछ सिंफुल एक्टिविटी किया उसका उसको पनिशमेंट मिला, ये है। तो वही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, पर लेकिन अर्जुन किस लेवल पे ले गए उसको, बॉडी लेवल पे कि मैं अपने परिजनों को मार रहा हूँ यहाँ पे, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे ऐसे है ना, हे भगवान आपने कभी मारा क्या अपने है ना, कभी वो जो उनके फादर हैं या उनके जो गुरु हैं उनको कभी मारा, नहीं मारा आपने तो फिर मैं कैसे मार दूँ। तो एक्चुअली क्या था कि ये सब किसके साथ में चले गए थे, अधर्म के साइड में। तो भगवान ऐसा नहीं मारने के लिए बोले, भगवान कह रहे हैं अधर्म को उठाओ, तो अधर्म को उठाने के लिए इनको मारना पड़ेगा, ये बताए पहले। तो बॉडी और सोल के बारे में पूरा ज्ञान दिया, उसके बाद में फिर भगवान थोड़ा प्रलोभन देते हैं अर्जुन को थोड़ा है ना, अरे भाई युद्ध करने में क्या जा रहा है तुम्हारा, अगर तुम युद्ध करोगे तो क्या है कि जीत जाओगे तो पूरा ये राज्य मिल जाएगा है ना भाई, आजकल तो कितना इतने सारे वोट होते हैं ना, लड़ाई कर लेते हैं लोग है ना, चीटिंग कर करके रॉन्ग प्रॉमिस कर करके वोट लेते हैं कि हमको बना दो हमको लीडर बना दो है ना, और तुमको तो बस तुमको युद्ध करना है तुमको राज मिल जाएगा, डर क्यों रहे हो इस बात से है ना, इवन एक बार अगर राज आ भी जाए तो छोड़ते भी नहीं है ना, फिर लात मार के उनको भगाया जाता है, तो सोच को छोड़ते हैं वो आसक्त हो जाते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे, अगर तुम युद्ध करते हो तो तुमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पृथ्वी का जो है राज मिल जाएगा, और हार भी गए तो क्या मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। युद्ध करो भाई है ना, युद्ध से भागोगे तो क्या कहलाओगे, कायर कहलाओगे, बाद में जाके कोई भी तुमको इंसल्ट कर सकता है, अर्जुन का इतना बड़ा नाम है ना, पूरा तीनों वर्ल्ड में उसका जो नाम है इतना ग्लोरी है ना, उसके बाद में अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो अपमान होगा तुम्हारा है ना, कोई भी अनादर कर देगा, कोई बैट्समैन है मेन बैट्समैन अब वो खूब खेला बहुत बढ़िया खेला, रोज 100 रन, कभी 125, 150, 200 ऐसे करके मार रहा है भाई हर एक मैच में,
उसकी वजह से जो है टीम आगे बढ़ रही है, फाइनल तक पहुंच गई। फाइनल में जाके बोल दे मेरा आज ना शरीर कहाँ पर आए, कुछ हो गया है, ठंड लग गई है थोड़ी, है ना, ऐसे करके। अभी इतना इतने सारा ऑडियंस आ गया है सामने, है ना, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, मैं कैसे खेलूंगा, है ना। पता पड़ा कि बॉल मेरे सिर पे लग गई तो क्या होगा, मेरे मुंह में लग गई तो क्या होगा, है ना, मेरे हाथ पे लग गई तो क्या होगा, ऐसे करके अगर बोलने लगे तो क्या होगा। जितना उसका यश, जितना उसको उसका नाम फैला था, अरे इतने रन उसने मारे हैं, जितना नाम फैला होगा क्या होगा, उसके बाद लोग निंदा करेंगे उसकी कि तुमने पहले तो फाइनल में पहुंचा दिया, उसके बाद छोड़ दिए ऐसे करके। तो अर्जुन वही कर रहा है अभी अभी, तो वो कह रहे कि भाई हम फाइट नहीं कर पाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करो, नहीं तो अदरवाइज तुम्हारा क्या होगा, अपमान होगा। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि भगवान प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को, किस चीज के लिए कर रहे हैं, कि तुम काम करो, क्योंकि काम से क्या मिलेगा तुमको, कुछ रिजल्ट मिलेगा, फल मिलने वाला है ना, ऐसे ही हो रहा है ना, फल मिलने वाला है। पर भगवान क्या बोलते हैं, हमको काम करना, फल की फल की इच्छा नहीं करनी है ना, बताते ये है भगवान, है ना। तो इसलिए क्या है कि भगवद्गीता का जो सेक्स थोड़ा सेक्शन वाइज है चीज है, मतलब अर्जुन को प्रेरित करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज ले रहे हैं भगवान, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता इससे अर्जुन जग जाए, है ना, लड़ाई करने लगे। और दूसरा चीज, ये गीता का ज्ञान है जो कि सबके लिए है ना, ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन के लिए था, हम सबके लिए है ये, तो किसको क्या चमक जाए, है ना। अब जैसे तो वो है ना, कभी ये होता है ना कि एक तरीका किसी को नहीं हिट करता है ना, पर लेकिन उस किसी उसी व्यक्ति को दूसरा तरीका हिट कर जाता है। तो ऐसे करके वो तरीका बताया। उसके बाद में फिर हमने परसों से जो चर्चा चालू की है 38 श्लोका से, उसमें भगवान जो है निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं, मतलब तुम जो है अर्जुन युद्ध तो करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। और यहाँ पे थोड़ा टीचिंग को एकदम थोड़ा अलग कर दिया भगवान ने, है ना। अर्जुन के मन में डाउट आ सकता है, वो आया भी थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, भगवान तुम दोनों चीज बता रहे हो मेरे को, कभी कह रहे हो रेनाउंस करो चीजों को, कभी कहते हो युद्ध करो, है ना। क्योंकि तो अभी बोलेंगे कि कैसे इस संसार में जो हम कार्य करते हैं, तो उस कार्यों के बंधन में हम फंस जाते हैं, है ना, उसको बोला बॉन्डेज ऑफ वर्क, है ना। अगर वो कार्य अगर हमने विष्णु के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं किया, भगवान की संतुष्टि के लिए अगर वो कार्य नहीं किया, तो हम किस में फंसे जाएंगे, कर्म बंधन में फंस जाते हैं, ये भगवान बताते हैं। और जो कि अभी इससे पहले कृष्ण अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुमको क्या मिलेगा, राज मिलेगा, तो ये तो फंसाने वाली बात हो गई ना, उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। पर लेकिन उसके बाद में जो है भगवान फिर पूरा का पूरा बताते हैं कि अर्जुन युद्ध तुमको करना है, पर लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है, नहीं तो क्या लगेगा, फिर भी तुम पाप कमिट कर जाओगे अदरवाइज क्योंकि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है, केवल कर्तव्य कर रहा है, बिना किसके सेटिस्फाई किए हुए, किसको, भगवान को सेटिस्फाई किए हुए, तो क्या है, वो तो कर्म कांड हो गया, बस पायस भर किया, तो उससे काम करने वाला चलने वाला नहीं है। तो कृष्ण अर्जुन को इसलिए बोल रहे हैं कि तुम जो है कार्य करिए, पर लेकिन फल की इच्छा मत करिए, है ना। क्योंकि अगर तुम फल की इच्छा पे जाते हो, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति फल की इच्छा पे जाता है, तो वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाता है ना। बहुत ज्यादा फल के बारे में जो सोचते हैं, तो हमेशा क्या रहते हैं, सिर्फ एंजाइटी रहती है हमेशा, है ना, मेरे को ये रिजल्ट मिल जाएगा, कभी जब नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा इंसान। जिसको ये पता है कि बस मेरे को अपना कार्य करना है, तो वो क्या रहेगा, खुश रहेगा हमेशा, है ना। उसको फोकस किस पे करना है, अपने कार्य पे। जब भगवान की कृपा हो जाएगी उसके ऊपर, तो सब कुछ मिल जाएगा, है ना। अब भगवान की कृपा नहीं हुई, तो इस संसार में हम कितना भी प्रयास कर लें, पर लेकिन हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान जो है बताए अर्जुन को 38 श्लोका में कि तुम जो है विक्ट्री और डिफीट, गेन और लॉस, ये सब की बिना चिंता किए हुए युद्ध करो। फिर अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं, जो हमने कल चर्चा किया था 39 में, कि अगर ये जो तुमको कार्य है, वो किसके सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, मेरे सेटिस्फेक्शन, मतलब भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, अदरवाइज किसके बंधन में फंस जाओगे, तुम काम के बंधन में फंस जाओगे। बताया गया है ना, यज्ञ अर्थात कर्म अनुनियंत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेया मुक्त संगा समाचर। तो ये जो वर्क हमको करना है, वो भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, तब जाके हम उस कर्म से फ्री होंगे। तो ये थोड़ा हमने चर्चा किया, और फिर हमने देखा कि 39 श्लोका में कैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इतनी सुंदर सुंदर चीजों का वर्णन किया। लास्ट में जाके बताते हैं प्रभुपाद जी कैसे जो शुद्ध भक्त होता है, या जो भक्त होते हैं, जब भगवान की संतुष्टि के लिए जब कार्य वो करते हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए जब वो कार्य करते हैं, तब उनको अंदर से एक ब्लिस का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। कब होता है,
जब हम भगवान के संतुष्टि के लिए करते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए या अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर वो कार्य ना किया गया हो, तो फिर जो है वो आत्मा को आनंद नहीं मिलता है। ऐसा है, क्योंकि जब हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। अगर पेड़ की जड़ को पानी डाल दिया जाए तो ऑटोमेटिकली जो जो पानी है वो सब जगह पहुंच जाएगा, पर लेकिन आप पत्ती पे पानी डाल दो, है ना, पेड़ दिख रहा है, जड़ तो दिख नहीं रही है, लाओ पत्ती पे थोड़ा डाल देते हैं, है ना, और टहनी पे थोड़ा डाल देते हैं, फल पे थोड़ा डाल देते हैं, क्या पता पेड़ बड़ा हो जाए, है ना, हरा भरा रहेगा, तो एक दिन पेड़ क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसे ही भगवान क्या इनविजिबल है, दिख नहीं रहे ना थोड़ा, है ना, पर लेकिन सब दिखता है ना, कंट्री दिख रही है, पेरेंट्स दिख रहे हैं, डेमी गॉड्स वगैरह, है ना, जल्दी रेट दे देते हैं ना, थोड़ा पूजा करो मिल जाता है। तो उन सबका क्या करना चाहते हैं, पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं कि जड़ को पानी देना, नहीं तो पौधा मर जाएगा। तो भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर हम जब काम करते हैं तो जो अंदर जो हम जो है ब्लिस का अनुभव कर सकते हैं, जैसे हमने कल बहुत सारे उदाहरण देखे, हनुमान जी जो है भगवान की सेवा में लगे कि कैसे उनको ब्लिस एकदम, है ना, हमेशा यही सोचते थे कि कैसे मेरे को सेवा मिल जाए और भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहूं। अमृत महाराज का एग्जाम्पल देखे थे, आज उनका वो वाला थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो उन्होंने बोला है कि कैसे अमृत महाराज बताते हैं कि अगर हम सारी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अगर लगा कर रखते हैं तो उससे संतुष्टि मिलता है, अदरवाइज हमको संतुष्टि नहीं मिलेगा। जैसे ये वाला श्लोक है ना, सवे मना कृष्ण पदारविंदो बचाम शिवे कुंत गुणानुवर्णने, सवे ही मना कृष्ण पदारविंदो, तो क्या बता रहे हैं, जो माइंड है वो किसके किस पे चिंतन करना चाहिए, उसको किस पे चिंतन करना चाहिए, भगवान के लोटस फीट पे चिंतन करना चाहिए माइंड को, और फिर उसके बाद में बसाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने, तो उसके जो वर्ड्स हैं मतलब जो बोलना है हमको किसके बारे में बोलना है, भगवान के बारे में बोलना है ना। उसके बाद में करो हरे मंदिर मा जना देसो, उसके बाद में क्या करना है, करो मतलब इसका जो मीनिंग है हैंड्स, हैंड से क्या करना है, भगवान के मंदिर का मार्जन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में सुरतिम चकारा चुत सप कथोदय, इसके बाद में जो ईयर्स हैं उससे क्या करना है, हमको भगवान की ग्लोरीज को सुनना है। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो, इसमें आंखों से भगवान के दर्शन करने हैं। उसके बाद में श्लोक है ये, तद वृत्तय गात्र स्पर्शे अंग संगमम, इसके बाद में भगवान की बॉडी को टच करना है। ग्रहणाम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलसिया रसनाम तदर्पते, कैसे भगवान की तुलसी को तो टेस्ट करना है जीवा से, है ना, उल्टा सीधा नहीं। कुछ भी खा लिया, है ना, आजकल लोग इतना मीट ईट वगैरह करते रहते हैं, नाप सनाप खाते रहते हैं। पादो हरे क्षेत्र पदानुतर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिनंदने, कामं च दास्ये न तु काम कामया यथो तमस लोक जनार्षया रति। तो बता रहे हैं कि महाराज जो अमृत देव नेवर डिजायर एनीथिंग फॉर योर ओन सेंसिटिफिकेशन, ही एनगेज ऑल हिज सेंस इन द डिवोशन सर्विस इन वेरियस एंगेजमेंट्स रिलेटेड टू द लॉर्ड, है ना। पैर पैर है तो पैर से कहाँ जाना है, मूवी देखने दिव्यम प्रभु कहाँ जाना है, वृंदावन जाना है इनको। अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे ही अमृत महाराज बता रहे हैं कि अपने सारे सेंसेज को हमको भगवान की सेवा में लगा के रखना चाहिए, तब जाके हमको संतुष्टि मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज क्या मिलेगा, संसार में हमेशा डिससैटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके बाद में भगवान बता रहे हैं कि कैसे, हे अर्जुन, अगर इस पाथ पे जो डिवोशन सर्विस का जो पाथ है इस पे अगर कोई थोड़ा सा भी एडवांसमेंट अगर कोई कर लेता है तो बड़े से बड़ा जो कष्ट है उसकी जिंदगी से चला जाएगा, या बड़े से बड़ा जो डेंजर उसकी लाइफ में आने वाला है, कठिनाई आने वाली है, उससे वो बच सकता है। तो जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अजामिल था तो उसने पहले स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस किया था, बाद में सबके सब गलत काम, कोई भी ऐसा काम नहीं था जो उसने छोड़ा ना हो, है ना, सब लोगों को लूटता था, है ना, लोगों से कुछ उधार लेता लेता था तो पैसे ही नहीं लौटाता था, ले लिया बस खत्म कहानी, भूल गया किसी को लौटाना भी है ना, वैश्या को तो लेके ही आ गया था घर में, है ना, तो उसके जो बच्चे थे उनका पालन पोषण कर रहा था,
मतलब क्या है कि अजामिल के कुछ बच्चे थे, लेकिन वैश्या के पहले से कुछ बच्चे थे, उनका ही पालन पोषण करता था वो, है ना, कैसे करके, चोरी वगैरह करके ऐसा अधर्म कर रहा था वो अजामिल। पर लेकिन लास्ट में जाके जो उसका 10वां जो बच्चा था, उनका नाम क्या रख दिया उसने, नारायण नारायण, नारायण नाम रख दिया। जब अजामिल का दरवाजा खटखटा, मृत्यु जब आ गई थी, दरवाजा खटखटा रही थी, उसको लेने के लिए आ चुकी है मृत्यु, उस समय पे जो है अजामिल, जो व्यक्ति जिससे अटैच रहता है, जिसने जिस चीज को लाइफ में प्रैक्टिस किया है, वो चीज हमको अंत समय पे याद आती है। यम यम वापि स्मरण वा मन त्यजति अन्ते कलेवरम। तो जो चीज हमने पूरी जिंदगी भर किया है, वो ही जाके हमको कहाँ याद आता है, अपने अंत समय पे याद आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई मीट ईटर वाला जो है ना, वो काट रहा है वो, उसको कृष्ण का स्मरण हो जाएगा बाद में जाके, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, आई थिंक 8th चैप्टर में श्लोका नंबर 6 है, आई थिंक, कि पूरी जिंदगी भर जो हमने काम किया है, जैसा प्रैक्टिस किया है, वही हमको लास्ट समय पे याद आता है। ऐसा नहीं कि मतलब हमने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया और बाद में जाके भगवान का स्मरण हो जाएगा। जैसे एक स्टोरी बताते हैं वहाँ पे हमारे सुपीरियर्स, कि एक अकबर बीरबल, ठीक है, तो ये अकबर जो है बीरबल से बोलते हैं कि व्यक्ति की जब लास्ट स्टेज आती होगी, तो काम वासना वगैरह चली जाती होगी, है ना। अरे लास्ट में आया तो कौन एंजॉयमेंट की भावना रखेगा अंदर अपनी, है ना। बीरबल कह रहा ऐसा नहीं है, शास्त्र पढ़े हैं बीरबल ने, उसको पता है कि भाई ऐसा नहीं होता है ना, कि काम वासना चली जाएगी, भोग प्रवृत्ति जो है हमारे अंदर, जो पूरी जिंदगी में अगर किसी ने एंजॉय किया है, अगर कोई ये सोचे कि ओल्ड एज जब आ जाएगा तो ये चला जाएगा, नहीं, उस समय पे भी रहता है। तो अकबर जो है विश्वास नहीं कर पाया, अरे ओल्ड एज में कौन एंजॉय करना चाहेगा भाई, मरने की अवस्था है ना, कौन एंजॉय करना चाहेगा, बुढ़ापा आ गया है ना, बुढ़ापे में तो सब इंद्रियां ही काम करना बंद कर देती हैं, तो कौन एंजॉय करेगा। बीरबल का कहना, नहीं, आपको हम दिखाएंगे, प्रूव करेंगे पूरा। तो कहता है अकबर से कि कल चलते हैं। तो कहाँ चलना है भाई, एक घर में जाएंगे, अपनी बेटी को भी साथ में लेके चलना। बेटी को क्या लेके चलना है भाई, लेके तो चलो साथ, हम है ना, आप भी तो चल रहे हो साथ में, ठीक है चलो लेके चलेंगे, उसमें क्या होगा। तो जाते हैं ये, तो एक घर में एक व्यक्ति गुजरने ही वाला होता है, मतलब बस 1 साल या 5-6 महीने बचे होते हैं उसके, बस बिस्तर पे लेटा हुआ है वो। तो जब अकबर और बीरबल एंटर करते हैं उस घर में, तो अब राजा कोई अगर किसी घर में जाए तो सबके सब दंडवत प्रणाम करते हैं भाई, है ना, ठीक है। तो पर लेकिन क्या है कि अभी वो बिस्तर पे लेटा हुआ था, है ना, ओल्ड एज में है। तो अकबर जैसे ही अंदर गए तो उसने कुछ किया नहीं ऐसा, मतलब प्रणाम वगैरह, है ना, या उठा हो दंडो प्रणाम करने लगा हो, ठीक है, वैसे बिस्तर से थोड़ा वहीं से ही बस नॉर्मल रहा। तो अकबर बुरा नहीं माना इस बात का, कोई समझता है ना वो भी, अरे कोई बुढ़ापे में है तो अब उसे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, है ना, अदरवाइज ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये अकबर को पता होगा, है ना, राजपाट जो संभालता है उसको पता रहता है जनरली, ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से किया तो फ्रस्ट्रेशन में ही कन्वर्ट होता है वो, है ना, जो व्यक्ति जैसा है वो उतना ही तो काम करेगा, है ना। तो इसलिए अकबर जो है जब गया तो ठीक है नॉर्मल रहा। बीरबल ने बोला कि अब अपनी बेटी को बुलाइए, है ना, अभी इसने जो है आपका इतना अच्छे से रेस्पेक्ट तो किया नहीं। तो जब वो अपनी बेटी को बुलाते हैं, तो उनकी बेटी जो है पैर में पायल लगा रहता है, बोलते हैं उनको बीरबल कि तुम क्या करो, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके चारों तरफ एक चक्कर लगा दीजिए, एक चक्कर लगा के आइए। अगर ठीक है लगा के आते हैं, तो जाती हैं, ठीक है, जैसे जाती छम 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 ऐसे करके आवाज होता है उसका पायल का, अरे वो जो बूढ़ा व्यक्ति ऐसे लेटा रहता है ना, ऐसे करके जैसे जहाँ छम छम की आवाज, ऐसे करके अपनी आंखों को ऐसे रोटेट कर देता है पूरा 360 डिग्री, कोई 45-40 नहीं, 180 नहीं, पूरा 360 डिग्री ऐसे करके ऐसे पूरा रोटेट कर देता है। बीर बोलता है देखो 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 बुढ़ापा आ गया है, पर लेकिन भोग भोगने की प्रवृत्ति अभी तक नहीं गई है इसके अंदर। तो ऐसा ही है, मतलब इस संसार में कोई अगर ये सोचे कि भोग भोगने की जो प्रवृत्ति चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अंत समय पे जो हमने प्रैक्टिस किया है, वो ही हमको याद आने वाला है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो ज्यादा से ज्यादा समय है, अगर स्पिरिचुअल लाइफ में अगर नहीं गया, तो ये संसार की चीजें ही हमको याद आने वाली है। जो व्यक्ति अपने काम को भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, भले वो ज्यादा भी लगा रहेगा, भगवान उसकी गारंटी लेते हैं कि तुमको अगर मैं याद भी नहीं आया, तब भी मैं तुमको अपने धाम में लेके जाऊंगा, ये भगवान गारंटी ले सकते हैं। पर लेकिन कब, जब हमने भगवान के लिए काम किया हो,
हो सकता है ना कुछ ऐसी सर्विसेज जिसमें क्या है कि कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते हो, पर लेकिन उसका जो रिजल्ट है पूरा 100% भगवान को ही अर्पित करने वाले हो सकता है कि भाई भगवान का स्मरण नहीं आया है ना, पर लेकिन भगवान किसी गारंटी लेते हैं तो मैं तुमको लेके जाऊंगा। जैसे प्रभुपाद जी किसी किसी शिष्य को बोलते थे ना कि प्रभुपाद जी, शिष्य बोलते थे प्रभुपाद जी को कि मैं तो सेवा में लगा हुआ हूँ, मेरा कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है तो मेरा तो जिंदगी ऐसे निकल जाएगा। मैं गारंटी लेता तुमको, मैं लेने आऊंगा, स्पिरिचुअल गारंटी मैं दिलाऊंगा, तुम सेवा करते रहो बस। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी या जो भगवान है वो गारंटी लेते हैं कि अगर कोई भक्त सेवा में लगा हुआ है तो उसको भगवत धाम में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या चर्चा कर रहे थे कि जो अजामिल है तो अभी यहाँ पे उसका अंत समय आ चुका है, तो अभी लास्ट में उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया था। तो वो इतना उस बच्चे से आसक्त था कि कभी भी खाना खाने बैठता था तो नारायण आ जाओ खाने का समय हो गया है तो अपने आंसे खिलाता था। ठीक है, उसके बाद में उसका बच्चा जो महाप्रसाद जो छोड़ता था उसके बाद वो महाप्रसाद ग्रहण करता था बच्चे का, है ना। ऐसे ही फिर कुछ भी पीने वाला है पानी तो उसको बुलाया करता था, है ना, खेलने के लिए बुलाया करता था, सोने से पहले बुलाया करता, नारायण आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना, बेटा सो जा, है ना, ऐसे करके लोरी वोरी जो भी सुनाया करता होगा। तो इतना नारायण का उसने नाम लिया कि उसे पवित्र हो भी रहा था वो, पर लेकिन उसे आसक्त भी था बच्चे भी। तो लास्ट में जाके जब वो ये यमदूत जब आ गए थे, जब यमदूत को देखा तो कांप उठा इतने भयंकर लोग तो जिंदगी में देखे ही नहीं थे, है ना, सांठा वगैरह पकड़े हुए हैं, है ना, गर्दन पीछे है, मान लीजिए अभी गर्दन किसी की आगे है ठीक है, तभी राक्षस कोई दिख सके, पीछे कोई गर्दन करके आपके सामने भी खड़ा हो जाए क्या होगा, डर जाएंगे ना, पूरा का पूरा डर जाएंगे, है ना, हालत खराब हो जाएगी, है ना, पूरा काला चेहरा है भयानक एकदम। ऐसे जब ये यमदूत उनके उसके सामने आते हैं तो अजामिल जिस चीज से व्यक्ति आसक्त होता है फिर उसका स्मरण करता है, बोलता है नारायणा नारायणा नारायणा, ऐसे करके नाम लेता है। उसके बाद में जैसे ही विष्णु सुनते हैं अरे हमारे स्वामी का कोई नाम ले रहा है ना, जैसे ही वो सुनते हैं फट एकदम इमीडिएटली, है ना इतना जल्दी तो कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा इस संसार में, है ना, कुछ भी हम करते हैं इतना फास्ट डिलीवरी कोई नहीं कर पाएगा ना, है ना, कोई कर पाएगा? आज का फास्ट डिलीवरी प्राइम वगैरह आ गया ना अमेजन पे, है ना प्राइम का सब्सक्रिप्शन कर लीजिए और आपके पास में प्रोडक्ट 1 दिन या 2 दिन में आ जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे, 1 दिन 2 दिन लग जाएगा ना, है ना, पर लेकिन यहाँ पे फास्ट डिलीवरी, भगवान का नाम लिया डायरेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मेटेरियल वर्ल्ड में डायरेक्ट, कौन आ गए, विष्णु को आगे बचाने के लिए। तो अजामिल जो है उसने केवल लास्ट स्टेज पे जाके भगवान का नाम लिया और देखिए उसको कितना बेनिफिट हो गया। अगर हम ऑफ कोर्स अजामिल जो था वो हेल्पलेस कंडीशन में भगवान का नाम लिया था, हम क्या है असहाय कंडीशन में वो भगवान को पुकारते नहीं है ना, अगर भगवान को उस भाव में पुकारे तो भगवान जरूर आएंगे। द्रौपदी ने भरी सभा में, है ना, कहते हैं जब द्रौपदी ने भरी सभा में ऐसे करके, है ना, पुकारा जट से आए ऐसा ही कुछ है पूरा मेरे को याद नहीं है तो उसमें क्या है कि जब द्रौपदी जी जब पुकारती हैं उस सभा में तो भगवान कृष्ण जो है अनलिमिटेड साड़ी, तो वो दुशासन जो खींचरा होता है द्रौपदी को कहता है कि ये नारी की साड़ी है, साड़ी की नारी है मतलब नारी ने साड़ी पहन रखा है या नारी ने वो साड़ी ने नारी को पहन रखा है, पूरा मतलब ना इतना साड़ी लिपटा हुआ है, परेशान हो गया खींचते खींचते, पर लेकिन असहाय कंडीशन में पुकार रहा था, भगवान आ गए, है ना। जब गजेंद्र को पकड़ लिया गया था, क्रोकोडाइल ने जब पकड़ लिया असहाय कंडीशन में, है ना, भगवान को बस फूल अर्पित कर दिया और जो भी उनको प्रार्थना याद थी पिछले जन्म की वो ऑफर कर दी, जस्ट भगवान आ गए, है ना। गरुड़ से बोले चलो जल्दी लेके चलो, गरुड़ बोले क्या हुआ, अरे मेरा भक्त पुकार रहा है देखो, है ना, अभी क्रिटिकल सिचुएशन में आईसीयू में भर्ती हो गया है जल्दी चलो, गरुड़ ठीक है लेके चलता हूँ, लेके जा रहा था भगवान, अरे यार तुम तो लेजी हो गया स्पीड नहीं है ना, तुम ये करो तुम आओ मेरी पीठ पे लो मैं लेके चलता हूँ तो भगवान ऐसे करके आते एकदम फास्ट ट्रैक फास्ट गाड़ी, है ना, तो आज का वंदे भारत चला लो या कुछ भी चला लो आप ये सुपर फास्ट गाड़ी है ना, इससे फास्ट कुछ नहीं हुआ है ना, जब भगवान आते हैं तो एकदम उड़ के आते हैं, 1 सेकंड में आ जाएंगे वो, तो ऐसे करके भगवान वहां पे आते हैं और बचा लेते हैं। तो विष्णु दूत यहाँ पे आ जाते हैं और जो अजामिल जो असहाय कंडीशन में जो पुकारता है भगवान को तो आ जाते हैं। एक बार कृपात जी के साथ में उनके शिष्य जा रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ डक्स जो है तालाब में मतलब नहा रही थी और उसके बाद में कुछ बर्ड्स थी या डक्स थी, तो मतलब बर्ड्स वगैरह जो थी मतलब उसकी माँ खाना लेके आई थी, है ना, तो बच्चे भूखे थे काफी, है ना, जब बच्चे भूखे हों तो कितना चिल्लाते हैं ना, खाना दो खाना दो, छोटे बच्चे कितना चिल्लाते हैं मानते नहीं है ना एकदम, तो
तो सब के सब चिल्ला रहे थे, पर लेकिन उसमें से जो एक बच्चा था वो इतना तेज चिल्ला रहा था, जो उनकी आवाज हो गई, इतना तेज चिल्ला रहा था वो कि माँ ने देखा ये तो मर जाएगा लग रहा है चिल्लाते चिल्लाते। तो माँ जल्दी जाती है, पहले तू बेटा तू पहले खा ले है ना, और जो बच्चे हैं उनको हम दे देंगे अभी बाद में है ना। तो जो जल्दी इतना तेज चिल्ला रहा था वो बच्चा, उसके पास में उसकी माँ जाती है, उसको खिलाती है, फिर जो बचा बचा बाकी को देती है। प्रभुपाद जी कहते हैं देख रहे हो है ना, ऐसे भगवान का नाम का उच्चारण करो तो भगवान आएंगे। अगर केवल नॉर्मल भाव से मोबाइल चलाते चलाते है ना, एक हाथ मोबाइल चल रहा है और हरि नाम इधर चल रहा है, तो फिर भगवान कैसे आएंगे, कहेंगे कि मेरा नाम तो ले रहा, पुकार तो रहा है, पर लेकिन आई थिंक हमसे ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है जिसको वो कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है शायद, उसकी लाइफ में मुझसे भी बढ़ के कुछ है। तो ठीक है उसको करने दो, फिर मैं बाद में आता हूँ जब भी फ्री हो जाएगा मोबाइल से, और मेरा नाम का उच्चारण थोड़ा ग्रेविटी के साथ में लेगा, आएंगे है ना, दर्शन देंगे है ना। तो इसलिए कह के अजामिल ने जो है बहुत हाई कंडीशन में भगवान को पुकारा, तो जाके भगवान जो है आ गए। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे अजामिल जो है लास्ट स्टेज पे थोड़ा सा बस भगवान का नाम ले लिए, तो क्या हो गए, बड़े से बड़े डेंजर जो है उनके कट गए। अदरवाइज क्या होता, अरे भाई जो चित्रगुप्त जो वहां बैठे हुए हैं वो इनका हिसाब किताब लिख रहे थे वहां पे, तो सारी डायरी वायरी सब भर चुका था है ना। वो होते हैं ओवर ड्यूटी करना प्रभु जी 10 घंटे की ड्यूटी करके बुला लेते हैं 14 घंटा 16 घंटा। तो वो तो ओवरनाइट करता था पूरा का पूरा है ना, पूरा दिन भी लगता रहता था, ओवरनाइट चल रहा था उसका है ना, चित्रगुप्त का सब भर गया था उसका, इतना अजामन ने पाप किया था। पर लेकिन क्या है कि अंत समय पे भगवान का बस नाम ले लिया और बस उसी से उसका उद्धार हो गया। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से कि इस भौतिक संसार में अगर हम काम करते हैं, जैसे काम किया ना, कोई भी काम अगर किया उसको पूर्ण नहीं किया, 100% नहीं किया, तो वो यूजलेस ही है। मान लीजिए ये बिल्डिंग बनाना चालू किया है ना, फाउंडेशन बना दी अच्छे से है ना, पूरा अंदर पूरा खोदा गया है ना, पूरी फाउंडेशन तैयार की गई, फिर पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर सब बनाया गया, और लास्ट में जाके क्या किया, पेंटिंग वगैरह छोड़ दिया गया, लाइट का कनेक्शन नहीं किया गया, पानी का कनेक्शन ये छोड़ दिया, तो बताओ क्या होगा इस बिल्डिंग का। कोई आएगा रहने के लिए इसमें, हम आते इस वाली बिल्डिंग में रहने के लिए नहीं आते। तो क्या है, क्या हो गया, ये बिल्डिंग यूजलेस हो गया है ना। कितना एंडेवर, मतलब केवल जो लास्ट वाली चीजें उनको अगर नहीं किया तो उससे पहले कितना मेहनत लगा होगा, कितने सारे वर्कर्स लगे होंगे उसको कंप्लीट कार्य करने में। पर लेकिन क्या है, 95% 99% तक इन्होंने किया, बस वो 1% छूट दिया, तो क्या हो गया, ये यूजलेस हो गया। मान लीजिए रविंद्र प्रभु जी कुकिंग करने गए हैं, कुकिंग कर रहे हैं बढ़िया से है ना, मलाई कोफ्ता या और अगर मलाई कोफ्ता का कुकिंग चल रहा है ना, लास्ट में जाके बस प्रभु जी कहते हैं ठीक है सब बन गया, नमक नहीं डालते हैं, ठीक है आ जाओ भाई खा लीजिए, अब बिना नमक के कौन खाए है। या अगर मान लीजिए प्रभु जी रबड़ी बनाने गए और रबड़ी में लास्ट में जाके क्या नहीं मिलाया, चीनी नहीं मिलाई, तो यूजलेस हो जाएगा वो है ना, जो रबड़ी बनाई सबके सब यूजलेस है। ऐसे बहुत ही संसार में ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर थोड़ा अधूरा छोड़ देता है काम, तो वो क्या बन जाता है, यूजलेस बन जाता है। एक अगर बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी करे, आईआईटी का तैयारी किया हुआ है और लगा हुआ है वो है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो 2 साल तैयारी करता है, अरे जब से पैदा हुआ उसके बाद में जब से स्कूल जाने लगा तब से उसकी आईआईटी की तैयारी चालू हो जाती है ना, पढ़ता है ना 2 + 2 = 4, 1 1 ऐसे करके गिनना चालू करता है, फिर सीखता है, फिर 5वीं क्लास में 6वीं क्लास में जाके थोड़ा थोड़ा सीखता है, उसके बाद में फिर जाके 11वीं 12वीं में जाएगा, कोचिंग ज्वाइन करेगा, इतना मेहनत से पूरा का पूरा एग्जाम का तैयारी किया, लास्ट में जाके बस एग्जाम नहीं लिखता है, इतना मेहनत किया जाके एग्जाम नहीं लिखता है, क्या हुआ उस मेहनत का, सबकी सब व्यर्थ गई। तो इसलिए क्या है, इस संसार में क्या है कि हम कितना भी जो है काम कर लें, पर लेकिन क्या है सबका सब वेस्ट ही हो जाता है अगर हम जो है उसको पूरा का पूरा 100% नहीं करते। और प्रभुपाद जी तो क्या लिख रहे हैं लास्ट में जाके, अगर इस संसार में मान लो कोई 100% कर भी लिया तो क्या लाभ, तो क्या लाभ, लाभ क्या उसका है ना, अगर कोई भगवान की भक्ति किया ही नहीं तो क्या लाभ है ना। जैसे कुत्ते बिल्ली जो जी रहे हैं, जानवर जो जी रहे हैं, आप भी जी लिए ऐसे ही। जो जानवर जो है चार चीजें करते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिपेंडिंग है ना, वो ही हम कर लेंगे, तो क्या जो जो जानवरों का जीवन है वो जी लिया हमने, कोई लाभ हुआ मनुष्य जीवन का, कोई लाभ नहीं हुआ। तो कृपा जी कह रहे हैं कि तुम 100% भी अगर कार्य कर लोगे तो तब भी कोई लाभ नहीं होगा। तो
तो इस संसार में क्या है कि अगर हम काम कर रहे हैं, अरे काम में अगर मान लो कुछ मिल रहा है, अगर पूरा संसार भी आपको भोग भोगने के लिए दे दिया जाए ना, तो क्या लाभ उसका? एक समय बाद तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा ना ये संसार, है ना। मान लीजिए पूरा संसार दे दिया गया, तो कितना कितना कंट्रोल करोगे? 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक, उसके बाद मृत्यु आ जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, हरे कृष्णा, दरवाजा खोलो, नहीं खोलोगे तो तोड़ दिया जाएगा दरवाजा, तो मृत्यु आएगी, सब ले लेगी, तो क्या लाभ इसका? कुछ लाभ नहीं। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि एक ऐसे वेल्थ के लिए काम किया जाए जिसको हमसे कोई छीन ना सके, है ना। इस संसार में कुछ भी आप करिए, कोई भी काम करिए, है ना, सारा का सारा आपसे छीन लिया जाएगा। बच्चा कितना भी मेहनत करके कोई सा भी डिग्री ले ले, है ना, पूरा उसने पूरा अपने पूरे जी जान लगा दिया तैयारी करने में, है ना, और IIT की डिग्री हासिल कर ली, इंजीनियर भी बन गया या वो डॉक्टर बन गया, या कोई भी उसने डिग्री पा ली, पर अंत समय पे उसकी डिग्री को भी छीन लिया जाएगा। कोई बहुत हार्ड वर्क किया, कितना भी कमा लिया, पैसा ही पैसा है उसके घर में, पर अंत समय पे छीन लिया जाएगा। ठीक है, कोई बहुत हैंडसम सुंदर है ना, ठीक है, बाद में जाके ओल्ड एज आएगी तो उससे उसकी सुंदरता छीन लाई जाएगी। कोई बहुत बुद्धिमान है, ओल्ड एज आएगा, है ना, मेटर बुद्धि का तो विनाश ही हो जाता है, बाद में जाके दिमाग चलना बंद हो जाता है, और या डेथ आएगी तो उसमें उसकी इंटेलिजेंस को छीन लिया जाएगा। कोई बहुत बड़ा सिंगर है, अभिमान है, देखो मैं कितना अच्छा गाता हूँ, है ना, जैसे ही मैं गाना चालू करता हूँ सब फ्लैट ऐसे करके किसी को उसका अभिमान है, बाद में जाके छीन लिया जाएगा, है ना। किसी को इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का बहुत गर्व है, देखो मैं कितना अच्छा बजाता हूँ, है ना, अगर किसी को गर्व है, प्राउड है, बाद में जाके जब ओल्ड एज आ जाएगी तो हाथ चलना बंद हो जाएंगे, उसके बाद में उससे वो छीन लिया जाएगा। मोहम्मद अली, है ना, सबको हराता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, है ना, सबको हरा दूंगा मैं, तो लेकिन अंत समय पे क्या किया, उसकी पावर को छीन लिया गया, है ना। एक कप ऑफ टी भी अगर उसको दे दोगे तो वो भी नहीं उठा पा रहा था, वो मोहम्मद अली जो कि सबको मार रहा था फाइटिंग में, अब उसको एक कप ऑफ टी भी दे दोगे तब भी उसको उठा नहीं पा रहा था, फिर भी बोल रहा था आई एम द ग्रेटेस्ट, पर तब उस समय क्या बोल रहा था, आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, समझ नहीं पाया कि भगवान है श्री कंट्रोल। इस संसार का जो धन है, कितना भी वेल्थ हम कमा लें, पर लेकिन एक समय पे सारा का सारा हमसे छीन लिया जाएगा। इसलिए मनुष्य को थोड़ा सोचना चाहिए, बुद्धि चलानी चाहिए, कुछ ऐसा धन भी है क्या जिसको थोड़ा अर्जित किया जाए, थोड़ा साथ में चला जाए। जैसा मेरे मदर से बात हो रहा था 4-5 दिन पहले, तो कुछ लोग होंगे मतलब गांव में, अभी घर पे ज्यादा कोई होगा नहीं, ज्यादा वेल्थ हो गया है तो होता है ना, ज्यादा वेल्थ हो गया तो लोग परेशान करते हैं तो ऐसा ही है, गाँव के कुछ लोग परेशान किए होंगे, घर में घुस गए होंगे, तो कह रहे थे कि अगर वो ही बता रही थी कि अगर वो जो इंसान इतना चीटिंग कर रहा है, मतलब लाखों में अगर ऐसे मांग रहा है अनाप शनाप तरीके से, अगर इंसान अगर अपने साथ में लेके जाए तो दिन दहाड़े मारने लग जाएगा इंसान को, अभी तो चीटिंग कर भी तो आया है, चीटिंग करता है इंसान वगैरह पैसा वगैरह कमाने के लिए, तो बता रही थी कि मतलब क्या क्या मनुष्य यहाँ पे छोड़ के चला जाता है ना, तो थोड़ा उसको ये लगता है कि यार कितना भी कमाना छोड़ के जाना है, अगर लेके जा रहा होता साथ में तो दिन दहाड़े चोरी होती भाई बढ़िया तरीके से, लोग मतलब इतना हार्ड वर्क करते हैं उसके लिए, तो लेकिन क्या है कि अभी उनको थोड़ा सा बुद्धि ठिकाने आ जाती है कि उनको पता है कि ये सारी चीजें यहीं पे रह जाएंगी, है ना, तो ज्यादा ओवर अंडर करने का जरूरत नहीं है। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है वो थोड़ा तो सोचे कि कैसे एक ऐसे धन पे मैं वर्क करूं जो कि मेरे साथ में जाए, वो कौन सा है, वो भक्ति का धन है ना। जितना भक्ति हमने प्रैक्टिस कर लिया, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं अगर तुमने 1% अगर भक्ति किया है, अगले जन्म में तुम 2 से स्टार्ट करोगे, अगर किसी ने 90% अगर किया है तो वो 91 से स्टार्ट करेगा। तो ये है शाश्वत अकाउंट, है ना, कोई भी बैंक जो है आपको परमानेंट जो है वो ये बोल दे कि हम तुम्हारा साथ हमेशा देंगे, है ना, वो कहते हैं ना वो LIC में जीवन के क्या बोलते हैं, जीवन के साथ और जीवन के बाद, है ना, तो कोई ऐसा गारंटी नहीं देगा कि वो लाइफ मतलब डेथ के बाद में भी तुम्हें जो है धन दे देगा, है ना, कोई बैंक है ऐसा नहीं दे पाएगा, है ना, कोई गारंटी नहीं देगा, अरे जो बैंक का ऑनर होगा वही चला जाएगा जिसने बैंक खड़ी की है वो क्या गारंटी देगा, उसका खुद का गारंटी नहीं है संसार में तो, है ना, जैसे डॉक्टर होते हैं ना वो मरीज को क्या गारंटी देंगे, उनको खुद की गारंटी नहीं है मेरे भाई, खुद को बचा ले मृत्यु से, कोई बहुत बड़ी बात है, इस संसार में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, तो है तो किसकी, अगर हमने भक्ति कर लिया उससे इस संसार का कितना भी बड़ा लुटेरा तो आपके सामने आ जाए, है ना, आपकी बॉडी को ले लेगा, पर कभी भक्ति को नहीं छीन सकता है ना, ऐसा है, तो ये एक ऐसा धन है, उस धन पे हमको थोड़ा
वर्क करना चाहिए, एक ऐसा धन जो कि हमारे साथ में हमेशा रहने वाला है। तो जैसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण है, समय भी हो गया है, हरिनाम भी जाना है आज, तो लास्ट एक एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही लेंगे कि मतलब इसी के ऊपर कृपा जी भी लिखे थे, भरत महाराज का लिखे थे क्या? नहीं, अजामिल का दिए थे कृपा जी। तो भरत महाराज जो थे कि कैसे उनके पास में इतना सारा पूरा राज्य, उतना सारा राज्य होने के बावजूद भी उनको तो पता ही था भाई, है ना, भक्ति ही सब कुछ है। जाते हैं जंगल में, चले जाते हैं और जंगल में जाके तपस्या कर रहे होते हैं, अपनी शिला की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बाद में जाके किससे आसक्त हो जाते हैं? डियर से आसक्त हो, डियर डियर बन गया उनकी लाइफ में, हिरण जो है वो प्रिय बन गया उनकी लाइफ में। तो वो इतना डियर डियर बन गया कि वो अगले लाइफ में डियर ही बन गए, है ना, ऐसा ही हो गया ना, जैसे बताया ना अभी मैं, अभी पूरा स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस की, बल्कि अंत समय पे जाके इतना आसक्त हो गया हिरण से, तो हिरण ही याद आएगा भाई। जो व्यक्ति जिससे ज्यादा आसक्त होगा वही याद आएगा, तो हिरण याद आ गए तो हिरण की बॉडी ले ली। पर लेकिन इनके केस में क्या हुआ, जो भी स्पिरिचुअल अकाउंट ये गेन किए थे अपनी पिछली लाइफ में, तो वही का वही पूरा का पूरा उधर भी था, उनको याद आ गया मैं पिछली लाइफ में कौन था और जाके कहाँ पे रहते थे। ये नॉर्मल हिरण नहीं थे, है ना, ये हरिबोल वाले हिरण थे, है ना, कुछ होते हैं ना, जैसे अभी जिसको ने देखा गया है कि कुछ डॉग वगैरह होते हैं मंदिर के पास में रहते हैं, प्रसादी खाएंगे केवल और कुछ खाएंगे नहीं, होता है ना, सुना है अपने, है ना, जिसको मंदिर में रहते हैं, कुछ पास में रहते हैं, है ना, डोटीज वगैरह उनके साथ कोई कीर्तन वगैरह करने भी जाते हैं, देखा गया है ऐसा। तो कुछ होते हैं जानवर वगैरह जो कि इनको पिछले जन्म का उन्होंने कुछ, मतलब पिछले जन्म कुछ पाप हो गया हो, कुछ हो गया हो, तो उसके कारण फॉल डाउन हो जाता है, लेकिन भक्ति नहीं जाएगी ना, भक्ति थोड़ी नहीं जाती है उनकी, तो भक्ति हमेशा रहती है। तो इनके पास में पूरा का पूरा भक्ति था, तो साधु संग किया करते थे हमेशा, साधु यहाँ पे रहा करते थे, वहां पे रहते थे, वहीं पे घास खाया करते थे, ऐसे करके पूरा का पूरा जीवन उन्होंने बिताया साधु संग में। और नेक्स्ट जन्म में जाके फिर क्या मिला उनको, फिर दोबारा वो है ह्यूमन बॉडी मिला, क्या कहलाए फिर, जड़ व्रत। तो इसमें ये देखा गया कि उनका जो भक्ति था उसका विनाश नहीं हुआ, जब हिरण का बॉडी मिल गया तो ऐसा नहीं कि अब वो जो है नॉर्मल जो हिरण होते हैं उनकी जैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, नहीं, उनका पूरा का पूरा भक्ति उनके पास में ही रहा। बहुत है चर्चा करने के लिए, काफी कुछ इसके ऊपर बोला जा सकता है। तो स्पेशली क्या है कि अपन को मतलब इस श्लोक से तो यही लर्निंग मिलता है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत करने से इतना लाभ है, तो भक्ति में अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए, जिस वेल्थ को कोई हमसे चुरा नहीं सकता है, तो थोड़ा उसमें ज्यादा समय स्पेंड करना चाहिए। अरे अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक ले लेंगे एक प्रश्न, क्योंकि हरिनाम के लिए निकलना है हमको। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन में? ठीक है, चलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय।